वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम ट्यूटोरियल में। आज हम लोग आए हैं पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जून हम लोग पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, और इस दिन हम लोग पेड़ लगाते हैं और साथ ही साथ उस दिन प्रण लेते हैं कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग समय के साथ उसको भूल जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल ना भूलें, आज 5 सितंबर है और आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाए हैं और साथ ही साथ हम लोग पेड़ लगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, सभी जन हम लोग पेड़ लगाते हैं। और हर बार जब भी मैं इन लोगों को बुला के आता हूँ तो ये लोग जरूर तुरंत आ जाता है और मुझे बहुत खुशी होता है, और साथ ही साथ ये लोग भी बहुत खुश होते हैं कि आज हम लोगों ने एक अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया। तो पेड़ लगाना पुण्य के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो अपने सभी दोस्तों और भाइयों को पेड़ लगाने के लिए बोले, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने बोले, ताकि वो मेरे वीडियो के माध्यम से वो सीख सके, वो जान सके। तो आइए कुछ बोलेंगे हमारे अनिल सर, ये देख पा रहे हैं, ये कुछ बोलेंगे कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है भारत देश में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जितना कि पेड़ उतना कम लगा रहा है। इसीलिए हम लोग को यह प्रण लेना चाहिए कि जिस तरह जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरह पेड़ भी लगाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो जैसा कि जाना कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है, और पेड़ लगाना इसलिए भी जरूरी है कि आजकल पेड़ का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जितना कटाई हो रहा है उतना पेड़ लगाया नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ देख रहे हैं शहरीकरण की भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से पेड़ की संख्या बहुत ज्यादा कटाई हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे रघुवीर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रघुवीर पंडित है और मैं एक पेड़ लिया हूँ हाथ में। अगर आप लोग पहचान सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि ये पेड़ किसका है, और कमेंट में बताइएगा कि ये किसका पेड़ है। बहुत देख रहे हैं ये वाला पेड़, अच्छा से एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि ये कौन सा पेड़ है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, थैंक यू। तो जैसा कि जाना कि कौन सा पेड़ है, आप लोग जरूर कमेंट में जाकर के बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हम लोग को बहुत इंतजार रहता है। और आप हमेशा मेरे वीडियो के माध्यम से उन सभी दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो पेड़ नहीं लगाते हैं, उन्हें भी प्रेरित करें और हमेशा मेरा वीडियो देखें। तो देखिए चलिए आप, हम लोग पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं और आइए देखते हैं। तो ये है पपीता का पेड़, और ये आप लोग देख लीजिए पपीता का पेड़ कैसा होता है। तो हम लोग ने पहले से इसमें लगा चुके थे, तो आज ही हम लोगों ने इसे खरीदा। और ये मिस्टर ललन कुमार है जो हमेशा मेरा पेड़ लाते हैं और हमेशा ये बोलते हैं चलिए हम लोग पेड़ लगाएंगे, तो इनका बहुत ज्यादा योगदान है। सबसे ज्यादा पुण्य का काम यही करते हैं, तो ये पुण्य ही नहीं आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो जो है पूरे भारत में फैला दें, क्योंकि ये वीडियो जब तक ज्यादा नहीं फैलेगा तब तो लोग जागरूक कैसे होंगे पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि पेड़ तो काट देते हैं लेकिन लगाते नहीं है। तो इतना ही, फिर आगे जाके हम लोग फिर से और भी पेड़ लगाएंगे, तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। देख रहे हैं ये भी पपीता का पेड़ है और इसे भी हम लोग लगाएंगे। लगाओ जी सब मिलके, तो हम लोग सभी जन मिलके लगा रहे हैं। बहुत सारा पेड़ पहले भी लगा चुके हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वो पेड़ कौन सा पेड़ था। तो ठीक है, आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा, अगर आप लोग देखते हैं और कमेंट जरूर करना चाहिए। तो चलिए और भी पेड़ लगाते हैं आगे जा करके। आइए, बाल्टी उधर है, देख रहे हैं ये आम का पेड़ है। और बाकी बात वो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पेड़ है, ठीक है। तो जैसा कि देखा ये आम का पेड़ हम लोग लगा दिए, तो हम लोगों ने पहले भी कम से कम 5-6 पेड़ लगा चुके हैं और भी पेड़ लगाएंगे, क्योंकि हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए। और ये वीडियो बोल रहे हैं, फिर एक बार बोल चुका हूं और बोलने वाला हूं कि आप लोग जरूर है ये वीडियो को अधिक से अधिक पूरे भारत में वायरल कर दीजिए। जिस प्रकार रानू मंडल का वीडियो एकदम वायरल कर दिए, उसी तरह ये पेड़ लगाने वाला भी वीडियो आप लोग वायरल कर दीजिए। बहुत बहुत जो है आप लोग को धन्यवाद। आज के वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखा, तो हम लोग फिर से आएंगे पेड़ लगाने, फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत